4 साल पहले अंतर जातीय विवाह करने पर अशोक और उनकी पत्नी विजया को सामाजिक बहिष्कार के बाद भी दबंगों की मार खानी पड़ी है। समाज ने 1,20,000 से दंडित भी किया था। मामला कसरौल थाना के ग्राम चारौदा का है। अशोक यादव, जो मूलतः मस्तूरी थाना के ग्राम परसौड़ी का रहने वाला है, जिसे गांव की ही लड़की से प्रेम हो गया था और आपसी रजामंदी से लड़का ने शादी कर ली थी, लेकिन समाज के ठेकेदारों ने उन्हें समाज से अलग रहने का फरमान सुना दिया। समाज के मुखिया ने उन दोनों को समाज में मिलने के लिए 1,20,000 की मांग की थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अशोक और उसकी पत्नी विजया ग्राम चारौदा आकर रहने लगे। परिवार से अलग रहने के बाद समाज के अत्याचार से मुक्ति नहीं मिली। गाली गलौज करी माँ बहन से, तो मैं सोचे कि चल हो जाते कभी कभार की कोई खिसका दे। ओकर बाद जब खाना खाए बैठे तो 4-5 आदमी है इसमें घर में खाना खाता है, बाल पकड़ के खींच के निकाली तो मारत। हम लोग खाना खा रहे थे तो एक आदमी आया कि बोले तुम्हारा रिश्तेदार आए हैं, मेहमान आए हैं, तो खाना खाते तो छोड़कर देखने आए तो इसमें गाली गलौज करने लगे। उसके बाद चला गया गाली गलौज करके, सुबह 4-5 आदमी लेकर आया और अंदर से खींच कर निकाले कालर पकड़ कर और मारने लगे। अशोक यादव नाम व्यक्ति संतोष वगैरह के खिलाफ में मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई हो, जिसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर दिया गया है। विवेचना पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।